आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बताओ। वीडियो क्लियर है? हाँ जी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में होंगे, तो सैटरडे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग से करवा दूंगी। ट्राई करूंगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लास है वो 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, है ना। तो हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे को पढ़ेंगे। आपका जो एक टॉपिक था झील का, झील का टॉपिक छूटा हुआ है, आज झील पढ़ लेते हैं। सावन फोन नंबर क्यों लिख रहे हो, किसको क्या बताना चाहते हो, है ना। फ़ोन नंबर लिखने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, किसके लिए है वो बताओ। नहीं नहीं क्लास घर से नहीं, ऑफिस से ही हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिस कारण से आप क्या कहते बैठ के क्लास ले रही हूँ। मेरा था कि मैं बोर्ड से ही बैठ के बता दूँगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, झील का टॉपिक पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो बोर्ड से लेना था, लेकिन वहाँ पे ना वो काम नहीं कर रहा था, उसका जो कीबोर्ड है लॉग इन करने में लेट हो रहा था, जिस कारण से हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे बहुत सारे बच्चे अब समझदार हैं, सारी चीज़ें हैं यार, अपन बड़े हो चुके हैं ना, छोटे तो हैं नहीं, तो ये हरकतें ना छोटे छोटे में ठीक लगती हैं, बड़े ठीक नहीं लगती हैं। आपको लगता है कि मतलब मेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों पे इंटरेस्टेड होंगी, या फिर मैं अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई रिलेशन चाहूँगी, नहीं ना। तो एक स्टूडेंट और टीचर की जो मर्यादा होती है हमेशा बनाए रखिएगा, कभी भी कोई मेल हो या फीमेल हो, है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो आपके टीचर हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो समाज में आपकी भी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है। एक लाइन आपने सुने होगी, अगर आप जो काम अपने लिए नहीं चाहते हैं तो दूसरे के साथ मत किया करिए, ऐसे ही नहीं करते, सब गलत बात होती है, समझे ना, प्यार से समझा रही हूँ। अगली बार अगर ऐसा हुआ, मैंने ऐसा ब्लॉक मारना है ना जीवन में, बिहार अड्डा 24/7 के ना तो यूट्यूब पर भटकोगे और ना ही पेड क्लास में आ पाओगे, और जो आपकी फीस है वो भी रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। लास्ट है चलो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मेरी लाइनें बुरी लगती होंगी, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए एकदम सटीक होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे वो, है ना, ठीक है। 2 सेकंड दीजिएगा, हो गई हो गई बातें, चलो पढ़ने में फोकस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा उसका होगा झील का। नेशनल पार्क बहुत इजी है, वो आप नॉर्मल पढ़ते हैं, छोटे से पढ़ते हैं, 8 क्लास लगेगी, आधे घंटे की नेशनल पार्क खत्म, ज़्यादा पूछता है नहीं, तो उस पर दिक्कत नहीं जाएगी। ठंडा नहीं लगा, हमको लगता है कि नज़र लगी है तो भूत पीछे बैठा, हमको सीधे ऊपर जाना है वायरल हुआ है यार 2 सेकेंड दीजिएगा, सिर्फ 2 सेकेंड, पीपीटी ले आए आप लोग। अभी मुझे आप लोग के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, इसलिए परेशान मत होना, और मेरी आवाज़ ऐसे
ऐसे क्यों आ रही? क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत अभी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी ना, तो उस वजह से थोड़ी सी वीकनेस है। अभी 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो आवाज़ आ तो रही है ना धीरे धीरे से, लेकिन आ तो रही होगी ना। करंट अफेयर की क्लास आज से ही शुरू की है मैंने, बट आज उतनी इफेक्टिव क्लास नहीं ले पाई थी मैं, क्योंकि क्लास मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी। बट आज से ही शुरू हो चुकी है यूट्यूब पे क्लास, और कल से प्रॉपर आपकी क्लास लगना शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे करंट की, है ना? ठीक है। देखो तो झील का एक अपना बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे भी है एक बार देख लो। यहाँ पे आपको हिंदी में चीज़ें लिख रही होंगी, लेकिन इंग्लिश में भी हैं। झील में हमें यही 2-4 क्वेश्चन है जिन पे फोकस करना होता है। सबसे पहले कि झील कहते किसको है, व्हाट इज़ द लेक कॉल्ड, ठीक है? हाँ जी, तो झीलें होती क्या हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। टाइप ऑफ लेक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप के, सब टाइप के लेक होते हैं। इम्पॉर्टेंट लेक्स कौन कौन से हमारे इंडिया में, ठीक है? और उनसे रिलेटेड जो छोटे छोटे फैक्ट हैं उन पर फोकस करना है। और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि झील से पूछी जाती है, सब कुछ इसी PPT में आपको मिल जाएगा। जो आप PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपका पहले से ही रहेगा। हाँ जी, हेलो पूजा पप्पू यादव, आपका नाम बहुत प्यारा है, पूजा पप्पू यादव, है ना? हाँ जी, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे झील कहते हैं किसको है, व्हाट इज द लेक कॉल्ड, ठीक है? हाँ जी, तो व्हाट इज द लेक, यहाँ पे मेरे को पूछना था लेकिन पहले से यहाँ पे लिख दिया, बताओ बोला। यहाँ पे ऐसे ढक भी नहीं सकते हाथ से कि चलो ठीक है नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक छोटा सा एरिया है जिसमें अगर आप थोड़ा सा वो कर लेंगे सही हो जाएगा। यहाँ पे होता क्या है कि झील है ना, झील या लेक, अगर आप इसे आसान सरल शब्दों में समझना चाहें तो मान लो कि धरती का ये पूरा छोटा सा खंड है, ठीक है? हाँ जी, मान लो ये आपकी, मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है? ये आपका अर्थ है, अर्थ का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है? अर्थ के एक छोटे से पार्ट में मान लो चारों तरफ पूरा, चारों तरफ से पूरा, मतलब एक पूरा लैंड का पार्ट ही है ना? तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, या फिर कह ले कि ये जो समतल जमीन होती है उसमें एक गड्ढा खोदा गया है। और इस गड्ढे पे जब बारिश होती है, बरसात का पानी होता है, वो स्टोर होना शुरू हो जाता है एक टाइम के लिए। तो उस गड्ढे में भरे हुए पानी को कहेंगे झील का नाम दे देंगे, या फिर एक ऐसा एरिया जो कि नदियों के कांटेक्ट में हो, है ना? तो नदियाँ गड्ढा बनाते हुए जाती हैं क्योंकि अपने साथ मिट्टी का बहाव करती हैं वो, तो वहाँ पे गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। उन गड्ढों पे जब जब वो गड्ढे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो उन गड्ढों पे धीरे धीरे पानी स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे पानी के गड्ढों को हम झील कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो होता क्या है कि जल का एक ऐसा स्थिर भाग, ठीक है? मतलब जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, और चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, उसे हम झील कहते हैं, ठीक है? अ लेक इज दैट पार्ट ऑफ वाटर, इज दैट पार्ट ऑफ वाटर विच इज सराउंडेड बाय द लैंड ऑन ऑल 4 साइड, ठीक है? बीच में गड्ढा है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, उसे हम कहेंगे झील, ठीक है? उसे हम कहेंगे झील।
बस सिंपल सा इतना ही समझना झील को लेकर के। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये तो वो वाली क्लास है ना, ये तो वो वाली क्लास है। अच्छा अच्छा सॉरी, मैंने वैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया है और उसके बाद मैंने कहा था कि वो जो क्लास है उसकी पीडीएफ है वो मैंने अपलोड करके बोला था कि उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर आपको ना हो तो मैं ना वो जो नदी वाला सेक्शन है, जो बची हुई नदियाँ हैं, वो इस क्लास के मतलब इस क्लास ही सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद लास्ट में एक बार फिर से पढ़ाना पसंद करूँगी, क्योंकि अगर हम उस पर गए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा टाइम वही टॉपिक लेगा, आप लोग बोर हो जाओगे। लास्ट में हम एक एक लेक्चर में उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ऐसा? हाँ ठीक है। हाँ जी, तो झील क्या होता है समझ में आया? करंट अफेयर की क्लास डेली 7 बजे होती है, 7 AM आज से शुरू है, डेली चलेगी, तो पढ़ लो। आगे देखो तो झील कहते हैं किसको है, ये क्लियर हुआ? पहले बताओ, उसके बाद फिर टाइप ऑफ लेक पे बात करते हैं, अब कितने टाइप के लेक होते हैं। और हाँ, जिनको ना समझ में आए तो सबसे बड़ी कमी उन्हीं के अंदर होती है, क्योंकि वो फोकस नहीं करते उस टाइम क्लास में, बाद में बोलते हैं क्या ही बकवास क्लास थी, है ना? तो पहले फोकस करके देखो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद बोला करो कि नहीं समझ में आता है। मैंने एक लाइन कहीं पे सुनी थी कि अगर आप टीचर आपको 2 से 3 बार समझा दे और उसके बाद भी समझ में ना आए तो आपको एक चीज़ खुद पर समझनी चाहिए कि आप समझने के लायक नहीं है, हालांकि वो चीज़ आपको समझाई जा सके। हाँ ठीक है, ये बात है। तो झीलों की कितने टाइप ऑफ झील कितने होते हैं? एक होती है फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, दूसरी होती है सॉल्ट वाटर लेक, तीसरी होती है ग्लेशियर लेक, ठीक है ग्लेशियर लेक, चौथी होती है आर्टिफिशियल लेक, पांचवी होती है क्रेटर लेक, अभी मैं सब पे डिस्कस करूँगी। इसके बाद होती है ऑक्स फ्लो लेक, ठीक है, देन होती है आपकी लैगून लेक, ठीक है लैगून लेक। इसमें क्या होता है कि YouTube पे होती है बिहार अड्डा 247 के। फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो मीठे पानी की झील, एक तरीके से मीठे पानी की झील ऐसी जो कि आपके जैसे कि सिंधु नदी पे कोई लेक बन जाए, है ना, तो वो मीठा पानी है जो कि हम पी सकते हैं। ऐसे नदियों के बने हुए जो लेक होते हैं उन्हें हम मीठे पानी की लेक कहते हैं या फिर मीठे पानी की झील कहते हैं। सॉल्ट वाटर लेक, जैसे समुद्रों का पानी किसी गड्ढे पे आके इकट्ठा हो जाए, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका ये पूरा चारों तरफ समुद्र है, ठीक है पूरा समुद्र है, और इसी समुद्र से सटा हुआ ये आपका एक छोटा सा लेक है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो भी तो खारा होगा, इसे हम नहीं पी सकते, तो ये खारे पानी है, सॉल्ट वाटर लेक के अंदर आएगा। ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक एक तरीके से आपके सॉफ्ट वाटर या फ्रेश वाटर ही होते हैं, है ना, फ्रेश वाटर लेक के अंदर आते हैं, बट इनमें जो जैसे मान लो कि बहुत बड़ा एक गड्ढा है और वहाँ पे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्फ बर्फ हो, है ना, बर्फ पड़े हों, जैसे पहाड़ जो हमारे हिमालय वगैरह हैं वहाँ पे बर्फ़ की पूरी एक मोटी परत पाई जाती है, और वही बर्फ जब पिघलते हैं तो उनसे नदियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे जब ये बर्फ अब पिघलते हैं तो उनका जो पानी है स्टोर होकर इस गड्ढे पे आता रहता है, ठीक है, तो इस गड्ढे पे जो पानी स्टोर हुआ उसको हमने लेक का नाम दिया ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक, है ना, ये रही बात। हाँ है ना, ये हुआ आपका ग्लेशियर लेक। इसके अलावा सबका बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले ना दिमाग एकदम खाली कर दो। जब भी आपको कोई टॉपिक नया पढ़ने को मिले और उस टाइम आप चाहते हैं कि वो टॉपिक आपको समझ में आए, सबसे पहला एक मंत्र होता है पढ़ने का, अब अपने दिमाग को एकदम खाली कर दो, दिमाग में सोचो ही मत कुछ कि क्या चल रहा है, सिर्फ सुन लो। पहले जब आप सुनने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना, आपके ऑटोमेटिक जो दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, पहले सुनो उसे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछिए। हाँ यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास चलेगी, अभी 2-4 दिनों में आपकी करंट अफेयर शुरू हो जाएगी, है ना, ठीक है। हाँ तो एक ही मंत्र की पहले सुन लो, उसके बाद फिर दिमाग में उतरेगी, ठीक है। तो ये है आपकी ग्लेशियर लेक की बर्फ, बर्फ से जो पानी आया वो एक लेक में इकट्ठा हुआ, उसका नाम दे दिया हमने ग्लेशियर लेक। पर्वतों पे, पहाड़ों पे ये लेक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आर्टिफिशियल लेक,
आर्टिफिशियल लेक एक ऐसा लेक होता है जो कि हम बनाते हैं, है ना, ह्यूमन बनाते हैं, जबरदस्ती बनाते हैं। भाई हमारे यहाँ पानी की कमी है, नदियों का पानी हमें इकट्ठा करना है एक जगह पे, तो हमने जबरदस्ती 4 मजदूरों को बुला करके बोला यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, छोटा सा या फिर अपने हिसाब से जो भी हो। जैसे हमारे यहाँ तालाब नहीं बनवाए जाते इस समय, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल लेक जो कि मैन मेड होता है ऐसे करके। फिर आता है आपका क्रेटर लेक। क्रेटर क्रेटर बनता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, है ना। मान लो ये आपका ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, ठीक है, मुंह मुंह इन द सेंस जहाँ पे, जहाँ से लावा, पृथ्वी का जो लावा है वो अर्थ के बाहर निकलना शुरू होता है, उस एरिया को कहते हैं क्रेटर, ठीक है। तो ये जो सेंटर है जहाँ से लावा बाहर आता है उसे कहते हैं क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। तो जब ये लावा निकलना बंद हो जाता है तो ये जो हिस्सा है वो खोखला पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लावा तो बाहर निकल गया और बाकी का जो लावा था वो अंदर चला गया। तो यहाँ पे ना एक सरफेस क्रिएट होता है, एक एरिया क्रिएट होता है, तो बरसात का पानी यहाँ पे जमा होना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं क्रेटर लेक। क्लियर, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं ट्राई करूँगी जल्दी ख़त्म हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रेटर लेक। ऑक्सप्लो लेक मतलब कि गोखुर झील। गोखुर झील ऐसे होती हैं, ये रही आपकी गोखुर झील। होता क्या है कि जब हमारी नदियाँ, ठीक है, मान लो जब नदियाँ कैसे बहती हैं, ऐसे ऐसे बहती हैं, है ना, ऐसे ऐसे बहती हैं, तो जब नदियाँ अपने बहाव क्षेत्र को अलग करती हैं, मतलब कि नदी अभी ऐसे ऐसे बह रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कचरा और बहुत बहुत कुछ लेके आती है। तो नदी मान लो यहाँ से आई, ठीक है, हाँ जी, नदी यहाँ से आई, इसको अच्छे समझो क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है और ये पूछा जाता है, ठीक है, हाँ, नदी यहाँ से आई बहते हुई और अपने साथ जो कचरा लेके आई है वो यहाँ पे स्टोर करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे जो कचरे का स्टोरेज है ना यहाँ पे से बढ़ता चला गया, और ये स्टोरेज एक टाइम तक इतना बढ़ गया कि उसने पूरा एरिया कवर कर दिया, और नदी जो ऐसे ऐसे बहती थी, ऐसे ऐसे बहती थी, अब ये नदी ऐसे बहना शुरू कर दी, ठीक है, ऐसे बहना शुरू कर दी। एक तरीके से नदी ने अपना पूरा मार्ग ही चेंज कर दिया, अपना पूरा पाथ ही चेंज कर दिया। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, हाँ जी, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ऑक्स ब्लो, जो कि गाय के खुर के जैसा दिखता है। इसी कारण से इन टाइप की झीलों को हम गोखुर झील कहते हैं, ठीक है, गोखुर झील कहते हैं। तो ये गोखुर झील का बेस्ट एग्जांपल है जिस इमेज के ऊपर मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, हाँ जी। तो गोखुर झील हम इसे ही कहते हैं, यहाँ पे नदियाँ इस हिसाब से टर्न कर जाती हैं और इस हिसाब से दिखती हैं। तो ये है आपका गोखुर झील, ठीक है, ये आपका गोखुर झील, ये क्लियर। अभी मैं सबका एग्जाम्पल दूंगी, परेशान मत हो, अभी हमने तो सिर्फ एग्जाम, हमने तो पढ़ने की शुरुआत की है, ठीक है, हाँ। तो ये गोखुर झील हो गया। उसके बाद आती है आपकी लैगून झील, ठीक है, लैगून झील। लैगून, लैगून आप जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी पढ़ने के टाइम पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है ज्वार और भाटा का, आपने पढ़ा होगा ज्वार और भाटा। जब हम जब हम ज्वार भाटा देखते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है जब पानी, अब समुद्र का जो पानी है वो सरफेस की तरफ आता है, ठीक है, मतलब कि मान लो ये आपका समुद्र है, एक टाइम होगा जब समुद्र का पानी इधर की तरफ मूव करेगा और एक टाइम होगा जब समुद्र का पानी सरफेस टू सी की तरफ जाएगा। तो ये ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब समुद्र का पानी समुद्र से सरफेस की तरफ आता है तो ऐसे बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, फिर छोटे छोटे से लेक होते हैं जहाँ पे समुद्र का पानी स्टोर होना शुरू कर देता है। भाई पानी आया और उसके बाद चला गया, तो थोड़ा बहुत पानी जो गड्ढे होते हैं उनमें भरता चला जाता है, तो उन गड्ढों पे भरे हुए पानी को हम लेक का नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं कि तो इतनों उतनों से गड्ढे भर गए वो लेक हो गए, नहीं भाई, मतलब एक बड़ा ह्यूज अमाउंट का
लेक या फिर गड्ढा होता है जिसमें पानी लॉन्ग टाइम तक स्टोर होना शुरू कर देता है ना, तो उसे हम लैगून झील कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा ऐसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये पूरा लेक, ये पूरा समुद्र है आपका, ठीक है। डायग्राम के थ्रू देखो, ये पूरा समुद्र है आपका, बहुत बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा सा। और यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जो कि गड्ढा टाइप का है, लेकिन छोटा सा एक प्लेस है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। तो जब भी समुद्र का पानी ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा, तो समुद्र का पानी इस पास के थ्रू हो करके इसमें चला गया ना, तो जब ये पानी इसमें चला जाता है और ये पानी यहाँ पे जा करके एक लंबे समय के लिए स्टोर होना शुरू कर देता है, तो इस एरिया को हम कहते हैं लैगून लेक, ठीक है, लैगून झील कहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा? समझने की जब कोशिश करनी चाहिए ना, तभी समझ में आता है, बिना समझे नहीं आता समझ में। हाँ, और एक से दो बार जब वीडियो देखोगे ऑटोमेटिक चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इतने टफ टर्म नहीं है जो मैंने बोले और मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये टर्म बच्चों को नहीं समझ में आ सकता, बहुत सिंपल वर्ड है, बड़े सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। अगर ये नहीं समझ में आना, मुझे नहीं लगता कि अब बाकी जीवन में और भी चीजें समझ में आ सकती, बहुत सिंपल टर्म है ये, ठीक है। वही इसमें क्या ही समझना है, शायद आलोक सर आपको जियोग्राफी पढ़ाते हैं, तो जियोग्राफी का एक मेजर रोल होता है आपके इन सारी चीजों में, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे ना स्टेट वाइज जो लेक्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो स्टेट वाइज लेक में हमें कुछ ही स्टेट ऐसे जिनके लेक याद रखने हैं, तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं उनको देखो। भारत की प्रमुख झीलों में आपके, बात करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, ठीक है, आपके जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मैंने वैसे क्लास में भी बहुत सारे अलग अलग सीक्वेंस बताए रखे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी आप लेक याद करने बैठे हैं तो आपका एक सिंपल सा छोटा सा सीक्वेंस है जो कि मैंने कहा था वो याद रखना। जैसे कि पहले, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अगर लेक की बात की जाए तो आपको सिर्फ चार पांच याद रखनी है। सबसे पहला आपका डल, ठीक है, डल लेक जिसे हम डल झील कहते हैं। दूसरा है वूलर, ठीक है, आपकी वूलर, बूलर या वूलर जिसे जो भी आप कहें, यहाँ पे डब्लू भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप याद कर सकें, तो बूलर वूलर, ठीक है, वूलर झील, ये है आपकी वूलर झील। तीसरी है मानस, मानस, ठीक है, मानस, तो मानस लेक, ठीक है, मानस लेक, तो ये है मानस लेक, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है जिसे हम शेषनाग कहते हैं, तो ये है आपकी शेष नाग लेक, हिंदी में से शेष नाग कहेंगे। तो इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जो हमारी पर्वत पहाड़ है या कैलाश पर्वत की बात करें तो हिमालय में है ना, और हिमालय आपके जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, वहाँ पे शंकर भगवान रहना पसंद करते हैं, तो शंकर भगवान जी के जो दोस्त हैं वो सांप है, गले में सांप लटकाए रहते हैं। तो जितने भी नाग नागिन ऐसे टर्म यूज होंगे लेक के मामले में, तो सारे नाग नागिन वाले जो लेक हैं वो पड़ेंगे आपके जम्मू कश्मीर में। तो शेष नाग, अनंत नाग, ठीक है, अनंत नाग, पैरी नाग, नागिन, ये सारे लेक कहाँ पड़ेंगे, ये पड़ेंगे आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके अलावा तीन ही चीजें हमें एक्स्ट्रा में याद करनी होगी जम्मू कश्मीर में, मानस, बुलर और डल, मानस, बुलर और डल। सबसे ज्यादा डल पूछा गया है, मानस पूछा गया है, बुलर पूछा गया है, क्योंकि ये इनको याद करना बड़ा
इजी हो जाता है, और इनको लोग पूछ देते हैं तो याद नहीं रहता है। यहाँ तक क्लियर? जम्मू कश्मीर का सिर्फ इतना ही याद रखना है लेक में। बताओ फटाक से। बताओ, है ना? हाँ, तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ इतने ही लेक याद रखने हैं हमें। तो जम्मू कश्मीर के कुछ लेक हैं, देख सकते हैं, ठीक है? ये आप इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डल लेक का है। डल लेक में, जम्मू कश्मीर के डल लेक में, है ना, जम्मू कश्मीर के डल लेक में पूरा पूरा वो एरिया ही लेक में ही बसा हुआ है। तो वहाँ पे बाजार भी लेक में लगते हैं, लोग कपड़े भी लेक में ही खरीदते हैं, और सब्जी मंडी भी लेक में ही लगती है। डल लेक, स्पेशली डल लेक वहाँ का काफ़ी फेमस है ना, श्रीनगर में है, तो उसको भी फोकस में रखना, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो। तबीयत ठीक होती, झील पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब हम बात करें उत्तराखंड की। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा एक राज्य है जो कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भी लेक बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना, लेकिन उत्तराखंड की लेक को याद करने का सबसे पौंड पौंड भी कुछ ऐसा ही एक टर्म है ना, टर्म है। जैसे झील, झील अगर देखा जाए तो एरिया में बड़े होते हैं पौंड से, है ना? अगर झील इतना बड़ा है तो आपका जो पौंड होता है वो इतना छोटा होता है, बस यही मेजर डिफरेंस है। बाकी काम एक ही करते हैं, पानी स्टोरेज का, है ना? और दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं, ठीक है? आपने कि जैसे घर गांव में छोटे छोटे तालाब देखे होंगे, लेकिन तालाब की अपेक्षा झील का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। ये होता है दोनों में डिफरेंस, ठीक है? बस बाकी काम एक ही होता है। तो अगर बात करें उत्तराखंड की, है ना, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुछ लेक हैं जिनको आप जानते होंगे कि उनके लास्ट के बाद में ताल जो होते हैं, जैसे कि आपकी नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, देव ताल, माला ताल, राक्षस ताल, सीताल, मतलब कि सात ताल, ठीक है? आपके नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो उत्तराखंड में जितने भी झीलें होंगी उनके नाम के अंत में, फिर लास्ट नेम, नेम के लास्ट में ताल, ठीक है, ताल ऐड किया जाता है। वीडियो रुक गया है? नहीं, एक बार रिज्वाइन करके देखो, सबकी वीडियो रुक गई है। बताओ जल्दी से, है ना? ताल को ऐड करते हैं हम, तो ये है आपका ताल। तो नैनीताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, जिनका भी रुका है एक बार रिज्वाइन कर लेना। तो नैनीताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, राक्षस ताल उत्तराखंड, माला ताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, आप नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, रूप ताल उत्तराखंड। आपके रूप कुंड की बात करें तो रूप कुंड उत्तराखंड का एक ऐसा झील है, फिर एक ऐसा लेक है जहाँ पे ना, मतलब कि हड्डियाँ मिलती हैं, इंसानों की हड्डियाँ मिलती हैं, और समझ में नहीं आता हड्डियाँ आई कहाँ से हैं। तो कई लोग कहते हैं आइस एज के समय से हैं, लेकिन इतनी सारी हड्डियाँ इस टाइम के ह्यूमन बॉडी से मैच करती हुई, थोड़ी सी सस्पिशियस टाइप की हैं। तो ये आपका रूपकुंड है जो कि कहाँ पड़ता है, आपका उत्तराखंड है, ठीक है? तो ताल से ताल मिलाते हुए हमें उत्तराखंड जाना है, ठीक है? हाँ जी, तो गाना सुना ना आपने, ताल से ताल मिला, तो ताल से ताल मिलाते हुए उत्तराखंड पहुंच जाना और नाच के आना, समथिंग ऐसा याद कर सकते हैं आप। हाँ, एरिया भी बड़ा होता है, गहराई भी ज्यादा होती है, बिल्कुल, ठीक है? ये रही बात है। तो ये आपका उत्तराखंड है। तो जम्मू कश्मीर से हमें क्या क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर से एक बार लिख के बताओ, उसके बाद उत्तराखंड से सारे ताल उत्तराखंड में। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सूरज ताल भी आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, चंद्र ताल भी आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सूरज और चांद हिमाचल प्रदेश के हैं, बाकी ताल आपके उत्तराखंड के हैं, ठीक है? हाँ जी, तो सूरज और चांद, ठीक है, सूरज और चांद कहाँ के हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के। बाकी जितने भी ताल हैं, है ना, बाकी जितने भी ताल हैं वो पड़ेंगे आपके उत्तराखंड के।
बहुत अच्छे। हाँ, डल बूलर मानस, बाकी शेष नाग, अनंत नाग, बैरी नाग, नागिन आपके जम्मू कश्मीर के। ताल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, नैनीताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड, है ना, माला ताल, सात ताल, ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश में दो ताल हैं, एक है सूरज, दूसरा है चांद। तो मेरे चांद सितारों, मेरे दो आंखों के तारों कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, मेरे तो आप लोग हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पूछता नहीं है, बट फिर भी आपका रामगढ़ ताल कहाँ पे है? उत्तर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। है ना? हाँ जी, तो रामगढ़ ताल आपके उत्तर प्रदेश में। आगे देखो, सिक्किम की बात करें, सिक्किम में चुलामू झील। ठीक है, जो चुलामू झील पूछा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो हाईएस्ट लोकेशन है, ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड है इंडिया का, वहां पे जो लेक है चुलामू, ये आपके सिक्किम में है। और इसी चुलामू लेक को लेकर के भारत और चाइना के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता है। चाइना, जब भारत और चाइना की बाउंड्री को अलग किया गया था, जब बाउंड्री डिसाइड हो रही थी, उस टाइम पे ये बोला गया था कि चुलामू झील हमारे भारत में पड़ता है, लेकिन चाइना का कहना है कि हम किसी ट्रिटी या फिर किसी भी उसको नहीं मानते हैं, जो हम चाहते हैं या फिर जिस एरिया तक हम पहुंचना चाहते हैं वो एरिया हमारा होगा। ठीक है, हाँ जी, पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है बताती हूँ, क्लास खत्म करने दो फिर बताती हूँ पढ़ाई में फोकस कैसे करें। ठीक है, हाँ जी, तो भारत और चाइना के बीच में चुलामू झील को लेकर भी डिस्प्यूट होता है। तो भारत की हाईएस्ट मतलब कि एल्टीट्यूड पे कौन सा झील है? तो ये आपका चुलामू झील, पड़ता कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखो, देन आता है मणिपुर में, तो ये आपका मणिपुर है। मणिपुर में एक ही लेक है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, उस लेक का नाम है लोकटक लेक। ठीक है, हाँ जी, लोकटक लेक। पहले पढ़ लो, कभी भी नोट साथ में नहीं बनाते, पहले पढ़ लो, एक से दो बार चीज़ों को समझ लो, उसके बाद नोट्स बनाते हैं। क्योंकि नोट्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम चीज़ों को सिर्फ 2 से 3 बार देखें तो रिवीजन के तौर पे काम आए। तो नोट्स हमेशा 2 से 3 बार किसी टॉपिक को समझने के बाद बनाने चाहिए, तो हमें क्लियर होता है कि हमें नोट्स में लिखना क्या क्या है, क्योंकि किताब तो लिखनी नहीं है कि इतनी सारी पॉइंट हम लिखेंगे उसमें। ऐसा अभी उस पर बात करते हैं, अभी उसमें बात करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, परेशान मत हो। मणिपुर, मणिपुर में एक लेक है आपका जिसे हम कहते हैं लोकटक लेक। लोकटक लेक पूर्वोत्तर भारत में, मतलब कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे बड़ी मतलब कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो यह है आपकी लोकटक लेक। अब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में एक एक ऐसा केवल एक ऐसा वो है लेक है जो कि इसमें एक नेशनल पार्क फ्लोट करता है। ठीक है, हाँ जी, तो दिस लेक हैज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड नेम कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो झील याद रखनी है, कीबुल लामजाओ, सॉरी, लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक, लोकटक लेक के ऊपर एक नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है, उसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब ये बना कैसे, होता क्या है? मान लो यह बहुत बड़ा झील है, झील के ऊपर जो मतलब पानी के ऊपर नहीं घास उगती है, देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े तालाबों में बड़ी बड़ी घासें उगती हैं। तो जब वो घास अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जब वो घास मर जाती हैं, तो घास का जो बॉडी है ना, ये जो जो बॉडी पार्ट है घुल नहीं पाता है पानी में, तो वो वहीं फंसा रह जाता है। और उन्हीं उन्हीं पार्ट में जब धूल या आंधी तूफान होते हैं तो धूल के कण बैठते चले जाते हैं, तो एक एक सरफेस क्रिएट होना शुरू होता है। और वही सरफेस जब एक टाइम आता है तो मोटा और बड़ा होता चला जाता है, उसी का रिजल्ट है आपका ये तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ, उसको बनने में सदियों लगे होंगे, लेकिन उन सदियों का आज का रिजल्ट है कि ये तैरता हुआ नेशनल पार्क आपके सामने है। ठीक है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान लेक भी पूछे जाते हैं।
राजस्थान में कौन कौन से लेक हैं? तो ऐसे राजशाही, राजस्थान में राजशाही बड़ी अच्छी लगती है ना, वहां पे एक अलग कल्चर है वहां का, तो उस हिसाब से वहां के लेक के भी नाम है, जैसे राजसंबद, ठीक है, राजसंबद, जय संबद, फतेह सागर, टिडवाना, सांभर, बोला सांभर नहीं, किटली डुबा के खा ले, ये दूसरा सांभर है। तो ये आपके लेक हैं कहाँ के, राजस्थान के, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका राजसंबद, जय संबद, फतेह सागर, डीडीवाना, सांभर झील कहाँ की है, तो ये है आपके राजस्थान की। और मैं किसी भी एक लेक को नहीं कहूंगी कि आप स्किप करिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपकी सांभर झील हो, सांभर तो याद ही रहेगी, है ना। तो ये सांभर लेक ऐसा नहीं कि इसमें एकदम सांभर उबलता खौलता रहता है, सब लोग आते हैं यहीं से भर के लेके जाते हैं, नहीं भाई, नाम है लेक का। तो ये आपका सांभर लेक राजस्थान में है। डीडवाना, डीडवाना भी पूछा जा चुका है, इसको लेकर के हम सोचते हैं कि किसी फॉरेन में होगा, बट ये हमारे भारत में है, तो डीडवाना लेक है आपके राजस्थान में। फतेह सागर, फतेह सागर भी आपके राजस्थान का एक लेक है। आपके जय संबद, ठीक है, जय संबद, तो सवाई जय, मतलब कि सवाई राजा, जय जय समथिंग, एक राजा थे, कहाँ के थे, राजस्थान के थे, ठीक है। राज संबद, संबद शब्द ही आपके राजस्थान से रिलेट करता है, तो इनको आप जितने संबद, जहाँ पे भी संबद, यहाँ पे संबद है ना, संबद का रिलेटन, सॉरी, संबद अगर शब्द आया है तो आप इसे राजस्थान पहुँचा सकते हो, फिर लिखा हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके जय संबद, राज संबद, डीडवाना, फतेह सागर कहाँ पड़ते हैं आपके राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा सांभर की बात करें तो सांभर लेक आपके राजस्थान की सबसे बड़ी अंतस्थलीय झील है, ठीक है। हाँ जी, तो सांभर लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया, ठीक है। हाँ जी, ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील देखी जाती है, सबसे बड़ी झील नहीं कहेंगे, मतलब कि खारे पानी की झील एक तरीके से हमारे भारत की। ये सारी चीजें PDF में रहेंगी आपके, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ जी, तो ये आप राजस्थान के कुछ लेक हैं जिनको आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ सुंदर तरीके से दिखते हैं, है ना। हाँ, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक लेक है आपकी, जिसे हम कहते हैं लोनार झील, ठीक है। क्या नाम है इसका? लोनार लेक। आपने बहुत समय पहले एक लेक सुना था, सॉरी, एक एक इंसिडेंट सुना था कि एक उल्का पिंड था, एक एस्ट्रॉयड था जो कि हमारे पृथ्वी से आके टकरा गया था, ठीक है, आपके मेटोराइट्स या जो भी उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो उल्का पिंड हमारे अर्थ से आके टकराया था, तो जहाँ पर टकराया था, जैसे आप रेत में अगर कोई बॉल फेंकेंगे तो जहाँ पे बॉल फिका था वहाँ पे एक 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 स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, समथिंग कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हमारे अर्थ में ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, तो जब गड्ढा हुआ तो बरसात का पानी एक टाइम के बाद स्टोर होना शुरू हो गया, ठीक है, स्टोर होना शुरू हो गया, तो इसका नाम पड़ा आपके लोनार। कहाँ पे है ये? तो ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है। तो इसकी सबसे खास बात यही है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये बहुत पहले का है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है पॉल्यूशन के कारण, तो पॉल्यूशन के कारण अभी आप देख लीजिए, ये तो पहले ये ऐसा था, ठीक है, पहले ऐसा था, इसका पानी जो अंदर का है वो हरा था, अब धीरे धीरे पिंक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो बैक्टीरिया, यहाँ के जो एल्गी हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और उनका जो डेड बॉडी है वो पिंक स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको। केमिकल रिएक्शन इस कारण से ये पिंक कलर आना शुरू हो चुका है ना। हाँ, पानी का कलर पिंक नहीं है, वहाँ पे जो एल्गी, सैवाल या बैक्टीरिया है उनका जो डेड बॉडी है वो पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये अब लोनार झील का ये हाल है, पॉल्यूशन का असर और वहाँ के जो बैक्टीरिया उनके किल होने के बाद का। तो लोनार लेक कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं केरल की, वो बोले है ना, अब बात करते हैं केरल की। केरल में भी दो तीन लेक हैं जो याद करने हैं, सारे नहीं पूछे जाते हैं। दो तीन लेक में पहला लेक है आपका, आपके बेम्बनाद, ठीक है, बेम्बो नाद यहाँ पे लिखा हुआ है, बेम्बनाद लेक, बेम्बनाद लेक। दूसरा
दूसरा है अष्टमुदी और तीसरा है पेरियार। केरल से अगर आपको ये तीन नाम याद है, चौथे याद करने की जरूरत ही नहीं है, पूछेगा ही नहीं। तो एक है वेम्बनाद, फिर अष्टमुदी, तीसरा आपका लोनार लेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वेम्बनाद की अगर बात करें, केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये आपकी वेम्बनाद लेक, ठीक है। तो वेम्बनाद लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द केरला एंड द लॉन्गेस्ट इन द हमारी इंडियन कंट्री, मतलब कि इंडिया की, यहाँ पे कंट्री नहीं इंडिया होनी चाहिए थी, बढ़िया है कंट्री पर क्या। हाँ तो ये तो केरल से हमें कौन कौन से याद रखने हैं, वेम्बनाद, वेम्बनाद, अष्टमुदी और पेरियार। वेम्बनाद, अष्टमुदी और पेरियार तीन हमें केरल से याद रखनी है। कहाँ से बस दो ही तीन बच्ची हैं, देख लो। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश से दो लेक हैं जो पूछे जाते हैं, एक है पुलिकट और दूसरी है कुलेरू, ठीक है, पुलिकट और कुलेरू। पुलिकट की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो उसके उसमें पहला भी होना चाहिए ना, अभी उसमें बात करते झील का पहले ही। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट। और पुलिकट भी पूछी जा चुकी लेक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। तो पुलिकट लेक सबसे पहले याद रखना आंध्र प्रदेश की है, और ये लैगून लेक है। मैंने इसीलिए सबसे पहले समझाया था कि लैगून लेक होती क्या है, समुद्र से सटा हुआ एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं पानी स्टोर होता रहता है बीच बीच में, ठीक है। ये तो ये है आपकी लैगून लेक, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। और इस लेक को लेकर के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में बड़ा विवाद होता है, क्योंकि दोनों के ही उसमें पानी की कमी है और इसका पानी दोनों ही जो स्टेट है यूज करना चाहते हैं, आंध्र प्रदेश वाले भी तमिलनाडु वाले भी। अभी मैटर सॉल्व हो चुका है बट फिर भी ध्यान रखिएगा। साउंड इशू है, है ना, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका कुलेरू लेक, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ये जितना भी लिखा हुआ है वो तो ठीक है, याद करना ही है, मेजर फोकस करिएगा ये जो नाम है ना लेक्स के, लेक्स के नाम और उनके स्टेट, वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। है ना, हाँ, तो यहाँ से ये चीज़ें। उसके बाद उड़ीसा की बात करें, वहाँ पे ध्यान रखना, हमने पुलिकट का पढ़ा था कि पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक भारत की दूसरी, है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून लेक है, सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। तो पहली कौन सी थी, पहली है आपकी चिल्का, और चिल्का पूछी जा चुकी झील है। तो चिल्का इम्पॉर्टेंट है, कहाँ की है, उड़ीसा की, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक है, ठीक है, लैगून लेक है। और इसका पानी कैसा है, खारा, और यही कारण है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी है, तो उसमें हम चिल्का को टिक करते हैं, है ना, चिल्का को टिक करते हैं। मुझे नहीं पता ऋषि कि उनकी क्लास कब से होगी, बट ज्योग्राफी शायद सर ही पढ़ाते हैं, लोग सब पढ़ाते हैं, है ना। तो चिल्का हमारे भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की लेक भी है, है ना, सॉल्ट वाटर लेक जिसे कहते हैं। दोनों में ही आपकी चिल्का फर्स्ट पे होगी, और लैगून लेक में दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो पुलिकट लेक होगी जो कि आंध्र प्रदेश की है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्ट जो जिसको लेके आप कंफ्यूज रहते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे 10 अलग अलग फैक्ट आएंगे, 10 तरीके की बातें आपको दिखेंगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की, है ना। तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, उसमें आप बूलर को टिक करेंगे, बूलर जम्मू कश्मीर की है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो लार्जेस्ट क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे
सॉल्ट वाटर लेक होना चाहिए था। तो ये कौन सी है? ये आपकी चिल्का, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आती है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय लेक। ठीक है, हाँ जी, अंतःस्थलीय लेक ऐसा जो जिसका पानी मतलब कि जैसे सर्फ, मतलब कि एक ग्राउंड वाटर का नाम सुना है, ये सारे ज्योग्राफी के टर्म होते हैं। ग्राउंड वाटर जैसे कि हम जैसे पंप वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह बनवाते हैं, तो पृथ्वी धरती के अंदर से पानी लेके आते हैं ना हम बाहर, तो वैसे ही अंतःस्थलीय ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर पानी का यूज करते हुए उस लेक में पानी आता है, तो उसे हम कहते हैं अंतःस्थलीय लेक। ठीक है, हाँ जी, नहीं बूलर ही है वहां पे, मानस और डल नहीं लेना है, वहां पे सिर्फ बूलर ही आएगा। हाँ, मेरी आवाज थोड़ी सी रुक रुक, मेरी आवाज नहीं रुक रही है, आपकी आपकी साइड पे दिक्कत होगी, रिज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ, तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय लेक कौन सी है? ये है आपकी सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक, और ये फैक्ट बहुत ही कैलकुलेटिव है, गूगल पे सर्च करोगे हर जगह आपको अलग अलग दिखेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है? तो लैगून पे हमने देखा था आपकी चिल्का लेक सबसे बड़ी है, दूसरी आपकी पुलिकट। ठीक है, पुलिकट। सबसे लंबी झील कौन सी है? तो लार्जेस्ट लेक इन द इंडिया, ये है आपकी बेम्बनाद। ठीक है, ये आपकी बेम्बनाद है, इसको भी ध्यान रखना। देन आती है सबसे ऊंची झील, चोलामू झील, जो कि सिक्किम में थी, याद है कि नहीं है? भारत की सबसे ऊंची झील ये आपकी चोलामू है, सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद कृत्रिम झील। कृत्रिम झील ऐसा आर्टिफिशियल लेक जो कि ह्यूमन बनाते हैं अपने यूज के लिए, तो उसे हमें आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये इम्पोर्टेंट होगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स थे जो कि आपने पढ़े। उसके बाद मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि, ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं हमेशा हमेशा ये कहती हूँ कि आपका जो फोकस है पहले अपने ट्रिक बनाने में होना चाहिए, बात की जो ट्रिक होती है फिर दूसरे जो ट्रिक बनाते हैं वो अपने हिसाब से अपने याद करने के लिए बनाते हैं, तो हमेशा पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो ट्रिक है अपने लिए बनाया करो, दूसरे के ट्रिक पे भरोसा नहीं करते। बट फिर भी भारत की जो झील है उनको याद करने की कुछ ट्रिक यहाँ पे दी हुई है, नहीं याद होगा तो आप इनके थ्रू जा सकते हैं, बट एक बार मैं चाहूंगी कि आप अपने ट्रिक पढ़ने के बाद बनाए। ठीक है, इसलिए मैंने इन पे ज्यादा फोकस नहीं दिया है, वही चीजें हैं जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मतलब कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का कहाँ पड़ती है, या फिर विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है ना, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत हो मुझे कल बता देना। ठीक है, हाँ, देखना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना? ठीक है, ओके, पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, जो भी होगा कल पूछ लेंगे, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है ना? ओके, बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, एक ही क्लास थी जेल की। खत्म क्यों नहीं हो रही है? अलग दिक्कत है यार।